अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हमें दी गई है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंपलीफाई द फॉलोइंग। यानी हमने जो नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे उस पे कौन से इंडिकेटेड ऑपरेशंस करने हैं, ठीक है। यहाँ पर इंडिकेटेड ऑपरेशंस का मतलब ये है कि हमारे पास हम उन दो मैट्रिक्स को एडिशन या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हम दो मैट्रिक्स की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन तब ही कर सकते हैं जब हमारे पास उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पर देखिए, ऑर्डर हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, और जो सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पर देखें, जो फर्स्ट है इसका ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर के इक्वल है और थर्ड के भी इक्वल है। यानी इन सब में क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद क्या है, इक्वल है। तो हम इनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो मैं पार्ट नंबर 4 में से कुछ क्वेश्चन करवाती हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, मैट्रिक्स हमें दिया गया है, इन दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, पहले ऐड करना है, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा देन हमने इसको क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। एडिशन हम कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स की, कि हम फर्स्ट एंट्री में सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री को ऐड करते हैं और सेकंड एंट्री को सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड एंट्री में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं 1+0, फिर 0+2, ये क्या आ गया 0+3 और 1+0। नेक्स्ट हमारे पास ये मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा 1, 1, 1, 0। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या रहता है, 1+0 क्या होता है 1 एंड 0+2 क्या होता है 2 एंड 0+3 3, 1+0 1। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आ गया, 1, 2, 3, 1। तब हमने इसको माइनस करना है इस मैट्रिक्स से 1, 1, 1, 0, एंड देन जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या होगा, इस मैट्रिक्स का आंसर होगा। तो 1-1 ये 2, 2-1 ये 3, 1, 3-1 फिर ये लेंगे 1-0। ये हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आ गया, 1-1 क्या होता है 0, 2-1 1, 3-1 2 एंड 1-0 1, दिस इज आंसर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस क्वेश्चन का रिजल्ट यानी आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 हमारे पास है, ये हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, इसमें ये है कि हमारे पास 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, यानी दोनों मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर सेम है, तो हम इसकी एडिशन कर सकते हैं। तो हम इसकी एडिशन करते हैं, इसमें भी यही होगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री जो है सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एंट्री में ऐड होगी, ठीक है, और जो सेकंड है वो सेकंड में और जो थर्ड है वो थर्ड में। ये क्या आ गया 1+1, ये क्या आ गया 2+0 और 3+, यहाँ -2 है तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो फिर ये यहाँ क्या आ जाएगा 3-2 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या 2 है और यहाँ पर क्या है -2, तो हमने इसको ऐड करना है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2+-, तो यहाँ आ जाएगा -2। अब ये 3 है और ये -1 है, तो यहाँ पर पहले 3 लिखेंगे एंट्री, अब ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस और ये 1। अब 1+0 ये क्या आ जाएगा 3+0 और 1+2 ये आ जाएगा 2, ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, 1+1 होता है हमारे पास 2 एंड 2+0 2, 3-2 1 एंड 2-2 0, 3-1 2 एंड 1+0 1, ये क्या आ गया 3+0 3 एंड 1+2 3 एंड 2-1 1, दिस इज रिजल्ट। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 किया है, जिसके अंदर से हमने 2 पार्ट्स किए हैं, एक सेकंड पार्ट किया है और एक पार्ट नंबर 5 किया है, क्योंकि बाकी सेम है तो इसीलिए मैंने 2 ही पार्ट करवाए हैं, वो बहुत ही सिंपल है। सो आज की वीडियो में हमने किया एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। अगर इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5।
आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।